स्टूडेंट, सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। और प्यारे बच्चों, ये क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके टॉपिक का उस टॉपिक का लास्ट वीडियो लेक्चर आज हम दे रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और इसको देखने के बाद आपके बुक में, एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, या जो भी सप्लीमेंट्री बुक आप लेते हैं उसके एक्सरसाइज में ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन, ध्यान से सुनिए, ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो नाउ टुडे दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बायलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बायलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बायलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बायलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से पहले मेरा आदत है कि हम अपने पहले वीडियो लेक्चर के बारे में ब्रीफ में आपको बता दें। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम पूरा बताए हैं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायलेंस्ड एंड अनबायलेंस्ड, उसका डिफिनेशन हम लिखा के एग्जाम्पल दे चुके हैं। ठीक है, अब What are the limitations of chemical equation? How you make chemical equation more informative? ये सारा चीज हम लोग आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। Now in this lecture we start bilancing of a chemical equation. Chemical equation आपको एग्जाम में दो तरह का मिलेगा। One is स्केलेटन इक्वेशन, मींस अनबायलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, दिस इज अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है, 2 एटम। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है, 1 एटम। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 3 है। तो यानी नंबर ऑफ एटम आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड, सो दिस इज ए अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड सच अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? स्केलेटन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मिलेगा आपको व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, दिस इज नोन एज वर्ल्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इक्वेशन, वर्ल्ड इक्वेशन। और इस तरह के इक्वेशन को, अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, अनबायलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, केमिकल इक्वेशन
को हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेज बिफोर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या जरूरत है, व्हाट इज ए नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, दिस इज ओनली फॉर सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक ही मकसद है, एक ही जरूरत है, एक ही एसेंशियल है कि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट स्पीसीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा, और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए नीड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या व्हाट इज द नीड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो इसका एक ही आंसर होगा फॉर सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब बैलेंसिंग का जैसे जैसे आप 9, 10 से 11, 11 से 12 में जाइएगा तो बैलेंसिंग का तरीका भी बढ़ पड़ेगा। देर आर फोर मेन मेथड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मेथड आपको जानना है और बाकी मेथड अभी 10th क्लास में नहीं जानना है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के लिए चार मेथड है। फर्स्ट हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड हो गया पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और फोर्थ हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम कितना तरह से बैलेंस करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को हम चार तरीके से बैलेंस करते हैं। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का लगाओ, गिनो एटम एटम को, गिन गिन के बैलेंस करो, दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और फोर्थ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत हीट एंड ट्रायल को ही देख सकते हैं, बाकी मेथड अपर क्लासेस के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए आपका बैलेंसिंग जो स्टार्ट होगा उसमें बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप किस किस चीज को बैलेंस कीजिएगा। हीट और ट्रायल मेथड में कहता है रूल बहुत है, लेकिन 10th क्लास में उतना रूल नहीं पढ़ना है, छोटे से रूल से आपका काम चल जाएगा, तो उतना ही आपको बताएंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के लिए पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, मेटल बैलेंस,
सीक्वेंस है बैलेंसिंग का, सीक्वेंसेस, इसको मेन नोट कीजिए आप, मेटल बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल का बैलेंसिंग, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन का बैलेंसिंग और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। ये एक तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का। क्या क्या बोले? पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखिए, हीट और ट्रायल मेथड में एक क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री गैस अगर है तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री गैस? एलिमेंट्री गैस किसको कहते हैं? गैसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्री गैस। गैसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्री गैस। तो जैसे देखिए, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना, नाइट्रोजन सिर्फ एन और एन से बना, ओजोन सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना, Cl2 सिर्फ क्लोरीन और क्लोरीन से बना, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री गैस, ठीक है। एलिमेंट्री गैस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कौन फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो बिफोर बैलेंसिंग आप इसको एटम के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। किस फॉर्म में? एटम के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए O2 है तो इसको हम लोग O लिखेंगे, O3 है तो इसको भी हम लोग O लिखेंगे। यानी एलिमेंट्री गैस को पहले आप एटॉमिक फॉर्म में तोड़ लीजिएगा और लास्ट में बैलेंस करके उसका एटॉमिसिटी लगाइएगा, और जो एटॉमिसिटी उसको फिर लगाइएगा उस एटॉमिसिटी से रेस्ट क्यूसेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, जितना भी फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे O3 से O लिखे, बैलेंस करने के बाद फिर यहां 3 हम लोग लगा देंगे और इस 3 से बाकी सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहां पे O2 है, यहां पे 2 लगा देंगे और इस 2 से सबको बैलेंस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगा। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, फिर समझा रहे हैं। आज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन को देखिए, और ये चैप्टर आज लास्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, पहला इक्वेशन है KClO3, पोटासियम क्लोरेट, इसको हीट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, तो बनेगा KCl+O2। ध्यान से देखिए, पोटासियम क्लोरेट को अगर हीट किए तो पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बना, पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बना। अब आपको देखना है कि पोटासियम क्लोराइड क्लोरेट को हीट करने पर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना, इस पूरे रिएक्शन में कोई एलिमेंट्री गैस है? यस, ऑक्सीजन इज एलिमेंट्री गैस, O2। तो O2 को एटॉमिक फॉर्म में लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे? KClO3 को हीट किए, KCl बना, प्लस O लिख दिए,
O2 को हम लोग कन्वर्ट करके एटॉमिक फॉर्म में लिख दिए, O3 भी रहता तो एटॉमिक फॉर्म में लिखते, N2 भी रहता तो एटॉमिक फॉर्म में लिखते, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सबसे लार्ज मॉलिक्यूल विच कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को ढूंढिए। तो KClO3 में 3 1 1 3 + 1 + 1 टोटल 5 एटम है इस मॉलिक्यूल में। KCl 1 + 1 2 एटम है और O2 में भी 2 एटम है, तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन हुआ? KClO3। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बिग मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है विच कंटेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, और उस बिग मॉलिक्यूल के हर पार्ट को बैलेंस कर दीजिए, बिग मॉलिक्यूल के हर पार्ट को बैलेंस कर दीजिए तो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, के Cl 1 Cl 1 Cl, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां 1 है, तो यहां पे ऑक्सीजन 3 लगा दिए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया कि नहीं हो गया इक्वेशन बैलेंस। बिग मॉलिक्यूल को देख करके सिलेक्शन के द्वारा 1 by 1 हीट और ट्रायल मेथड के द्वारा इसको बैलेंस कर दिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब यहां से इसका एटॉमिसिटी, ये हो गया एटॉमिसिटी, 2 O3 है तो 3, P4 है तो 4, S8 है तो 8, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है, एटॉमिसिटी। तो यहां पे O2 का एटॉमिसिटी कितना था? 2, तो वो 2 यहां फिर से लगा दिए, और जो 2 यहां लगाए उस 2 से रेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। पहले एलिमेंट्री गैस को एटॉमिक फॉर्म में बदल लिए, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले एलिमेंट्री गैस को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए एलिमेंट्री गैस को। अब जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसको देखते हुए बैलेंस कर दिए। अब हम लोग क्या किए कि इसका जो एटॉमिसिटी हटाए थे 2, वो 2 यहां लगा देंगे और रेस्ट फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हो गया KClO3 गिव्स KCl प्लस 3, O के नीचे अब क्या हटाए थे 2 लगा दिए, अब इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग का एक तरीका ये, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंसिंग करने के लिए पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इधर सेकेंड इक्वेशन Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, क्या है? ये एक इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो पहले किसको बैलेंस करेंगे हम लोग? मेटल को। मेटल का पार्ट होने के बाद किसको बैलेंस करेंगे हम लोग? नॉन मेटल को। और नॉन मेटल का पार्ट होने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का पार्ट बैलेंस होने के बाद हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरह से मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले Fe2O3 और Al2O3 और Al है, तो पहले यहां बड़ा मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, इसको हम लोग देख लें कितना है Fe2। यहां पे हम लोग 2 2 2 2 2
लगा दिए, Fe बैलेंस हो गया। अब अल्मोनियम का एक दो, तो यहां पे हम लोग अल्मोनियम लगा दिए टू, तो Fe2 था, Fe2 कर दिए, Fe मेटल बैलेंस हो गया, तो रेस्ट मेटल था अल्मोनियम, फिर अल्मोनियम को बैलेंस किए, अल्मोनियम भी बैलेंस हो गया, तो पहले मेटल को बैलेंस कर दिए, किसको बैलेंस किए, मेटल को, अब हम लोग बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, तो इसमें नॉन मेटल सिर्फ ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन देखिए यहां तीन, यहां भी ऑक्सीजन तीन, इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। सिमिलरली N2 प्लस H2 गिव्स NH3, जो आपके ऊपर में इक्वेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, N2 कितना N है, मेटल तो है नहीं इसमें, तो नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल में नाइट्रोजन है, यहां कितना नाइट्रोजन है, दो, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम क्या बोले हैं, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो ये हो गया N2, यहां पे कितना दो है, यहां पे एक है, यहां पे टू लगा दिए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, अब आइए हाइड्रोजन पे, इधर कितना हाइड्रोजन, थ्री टू जा सिक्स, इधर कितना टू, तो इसको सिक्स बनाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, पहले इसको उतारिए फिर आगे।